नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रॉस सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न के समरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है। तो इसकी लेखिका है जर्मनी क्रियर, है ना, एक महिला है जर्मनी क्रियर। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जो हमें चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया 100 मार्क्स अंग्रेजी में। तो उसकी लेखक कौन है, तो लेखक नहीं है, लेखिका है, राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर है, जर्मनी क्रियर। आप पिक्चर के माध्यम से समझिए एक बच्चे का जन्म। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, वीडियो बनाने के लिए हमें और प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। समरी ऑफ द लेसन, दिस एसे हैज बीन रिटन बाय जर्मनी क्रियर, यानी कि जो ये निबंध है चाइल्ड इज बॉर्न, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मनी क्रियर के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में, और ये पढ़ी लिखी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। शी इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये जो लेखिका है वो क्या, एक मशहूर स्त्रीवादी राइटर है, फेमिनिस्ट है, यानी रिलेटेड टू फीमेल, यानी महिलाओं के बारे में लिखने वाली राइटर हैं ये। हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड द फीमेल आंच, सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इनके कुछ वर्क की अगर चर्चा करें, जो इन्होंने महिलाओं के ऊपर अच्छे अच्छे किताब लिखे, तो द फीमेल आंच, सेक्स एंड डेस्टिनी, यानी कि लिंग और किस्मत, है ना, जैसे कि महिला हैं, कोई स्त्री हैं, कोई पुरुष हैं, तो लिंग के अनुसार उसकी किस्मत को हम तय कर लेते हैं। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये बहुत अच्छी अच्छी महिलाओं के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। आई होप कि आप जब इंटर पास कर जाएं तो आपको पढ़नी चाहिए, है ना। आइए और भी देखते हैं समरी में। इन दिस एसे सी टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि इस एसे के माध्यम से वो क्या बात करती हैं, तो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के बारे में बात करती हैं, यानी कि बच्चे की जन्म की प्रक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में बता रही हैं। और कहाँ, तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि पारंपरिक समाज में, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अ मदर इज कैप्ट फ्री फ्रॉम द एंग्जाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि ऑथर के अनुसार, लेखिका के अनुसार, जो माँ होती हैं पारंपरिक समाज में, जो माँ होती हैं उसको फ्री फ्रॉम रखा जाता है किस चीज से, तो चिंता से। जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं तो उनको पूरी तरह से किसी प्रकार की कोई चिंता से नहीं दिया जाता है, यानी चिंताओं से उसे फ्री फ्रॉम रखा जाता है हमारे पारंपरिक समाज में। इन हर एशे, मतलब अपने इस निबंध में, चाइल्ड इज बॉर्न जर्मनी क्रियर शोज अ कंपैरिजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि अपने इस निबंध के माध्यम से, है ना, जिसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी क्रियर दिखाती हैं किस चीज़ के बारे में, कि ईस्ट और वेस्ट के चाइल्ड बर्थ की क्या प्रक्रिया, उसके बीच के कंपैरिजन को दिखाती हैं। आप समझ, आप जानते होंगे आई होप, कि वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी सभ्यताएं, यूरोपियन सभ्यताएं कुछ अलग होती हैं और इधर भारतीय सभ्यताएं कुछ अलग हैं, तो इन्हीं के कंपैरिजन को शो किया है कि किस तरह से ईस्ट और वेस्ट के सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ को लेकर के प्रक्रियाएं होती हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रेग्नेंट वोमेन इज सपोर्टेड बाई हर फैमिली, लेखिका आगे बताती हैं कि जो पारंपरिक समाज होता है उसमें प्रेग्नेंट जो ओमेन होती हैं उसको पूरी तरह से उसके परिवार के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं दी जाती है, चिंताओं से उसे फ्री फ्रॉम रखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। इन मेनी सोसाइटीज ओमेन गो टू लिव विद देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज, बताती हैं लेखिका कि बहुत ऐसी सोसाइटी हैं, और क्या बहुत क्या, लगभग लगभग सभी सोसाइटी मानी जाती हैं, जहां महिलाएं क्या होती हैं, मैरिज के बाद अपने माँ की घर को छोड़ करके कहाँ चली जाती हैं, अपने मदर इन लॉ के घर चली जाती हैं, यानी कि अपने सासू माँ के घर चली जाती हैं रहने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। इट इज़ अ टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डैट सच वोमेन डज नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न चाइल्ड। माई डियर, टूरिज्म मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मनुष्य के विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने बताया है कि ये सच में है कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब बहुत ऐसे समाज ऐसा भी हैं जहां वो तो अपने क्या हुआ सासू माँ घर रहने के लिए चली गई, लेकिन जब तक उसको एक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है, यानी कि जब तक वो एक बच्चे को बर्थ नहीं कराती हैं, जन्म नहीं दे देती हैं, तब तक वो उस परिवार का, है ना, उस फैमिली का जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेंबर नहीं बन पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। माय डियर, अपने आप में थोड़ी सी
आपको सुनकर अजब लगेगा, क्योंकि वो तो अपने सासू अम्मा के चली गई है, अपने हस्बैंड के घर चली गई है, लेकिन उसके हस्बैंड के घर वाले उसको तब तक उस घर का सदस्य नहीं मानते हैं जब तक वो एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती हैं, है ना। ये थोड़ी सी और किस्म की बातें हैं, आज की सोसाइटी में सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, बट पहले देखी जाती थी। आगे देखते हैं, व्हेन द बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑकर मदर लॉस हर नेम एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। एक और घटना को उन्होंने जिक्र किया कि जब पहले बच्चे का जन्म हो जाता है कि घटनाएं हो जाती हैं, ऑकर मतलब होता है घटित होना, मदर लॉस हर नेम, तो वो जो माँ होती हैं यानी कि जो अपने पिता की घर को छोड़ करके, माँ की घर को छोड़ करके अपने हस्बैंड के घर आने के लिए चली गई हैं, वो अपना नाम भी खो देती हैं, हर नेम एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ द हर फर्स्ट चाइल्ड, और उसके घर में जो उसके बच्चे का नाम रखा जाता है उसी नाम से उस महिला को भी लोग पुकारने लगते हैं, जानने लगते हैं। आप भी ऐसे देखिएगा, नोटिस कर सकते हैं, अपने घर में भी बहुत जगह पर ऐसे देखने को मिलता है कि कोई भी घर की औरतें होती हैं जिसका लोग नाम नहीं लेते हैं जी, उसको उसके बच्चे के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं या पहचानते हैं, कोई डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेता है। ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि पहला बच्चा अगर जन्म ले लिया उसका कोई नाम है तब उसी का नाम मिल जाता है किसको, उस महिला को, है ना, और उसी के नाम से उस महिला को भी लोग पुकारने लगते हैं, है ना। ये अपने घर में आसपास अगल बगल में आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। इट इज़ अ फैक्ट, मतलब लेखिका आगे कहती हैं कि यह एक तथ्य है, डैट अ वोमेन बिकेम मेंबर ऑफ डैट फैमिली व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे देती हैं तब वो उस परिवार का क्या बन जाती हैं, मेंबर बन जाती हैं। ये अपने आप में क्या है, एक तथ्य है। आगे देखते हैं, ये तो आपका सेकेंड स्लाइड है, थर्ड को देखते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से किस तरह से शादी होने के बाद कोई महिलाएं आपको अपने हस्बैंड के साथ उसके घर रहने के लिए चली जाती हैं, है ना, वो अपने मदर्स के घर छोड़ करके अपने मदर इन लॉ के घर रहने के लिए चली जाती हैं, तो आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन वही जब चाइल्ड बर्थ को जन्म देती हैं तब जा करके उस परिवार का सदस्य मानी जाती हैं, है ना। आगे देखिए, इन दिस एसे, इस निबंध में राइटर हैज ऑल्सो शोन हाउ बांग्लादेशी वोमेन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, कि जो बांग्लादेशी महिलाएं हैं वो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं ना, लुक आफ्टर करती हैं, किस तरह से उनकी केयर करती हैं। अ सलेहती वोमेन डिस्क्राइब डैट इफ अ गर्ल इज लक्की एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव सी सेंड टू हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। माई डियर, सिलहेटी क्या है, तो बांग्लादेश में एक सिलहेट सिटी है और सिलहेट सिटी के लोगों को सिलहेटी कहा जाता है, इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, सिलहेट है तो सिलहेटी होगा, ये थोड़ा सा अपने यहाँ का वर्ड है नहीं, तो सिलहेटी हूँ मैं, यानी कि लेखिका बताती हैं कि जो सिलहेट सिटी की महिलाएं, उन्होंने वर्णन किया कि वैसी लड़कियाँ जो लक्की होती हैं और उसके माता पिता क्या होते हैं, यानी कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं शादी के बाद अगर जिंदा रहते हैं तो सी सेंड टू हर मदर हाउस, तो उन लड़कियों को क्या किया जाता है, उनके माँ के घर भेज दिया जाता है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी होने के यानी चाइल्ड बर्थ होने के कुछ महीने पहले पहली बार वो फिर क्या करती हैं, अपने माँ के घर वापस जाती हैं। एक तो शादी के बाद अपने माँ को घर के छोड़कर ससुराल आई, और ससुराल से फिर वो पहली बार कब जाती हैं, जब उसके प्रेगनेंसी में कुछ मंथ रह जाते हैं। देयर सी गॉट अलॉट्स ऑफ लव एंड केयर, और वहाँ जा करके अपने माँ के घर वो क्या करती हैं, बहुत सारे प्यार को प्राप्त करती हैं, केयर होती हैं उसकी, है ना, वो वहाँ जा करके अपने परिवार में घुल मिल जाती है और उसे अच्छा लगता है, और इस तरह से उनको एक तरह से क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है इस बात का कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी के कुछ महीने पहले उसको उसके माँ के घर क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन द बेबी इज बॉर्न इट इज अ ओकेजन ऑफ जॉय, और जब बच्चे का जन्म होता है तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ओकेजन होता है, एक प्रकार का उत्सव होता है, खुशी का ओकेजन होता है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। द नेमिंग सेरोमनी इज लवली, और जो बच्चे की नाम की जो सेरोमनी होती हैं, जो उत्सव होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ही प्यारा होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 डेज, और जब वही लड़का यानी लड़की जो भी जन्म ली है वो 7 दिनों की हो जाती हैं, अ न्यू ड्रेसेस इज बॉट फॉर इट, उसके लिए एक नया ड्रेसेस को लाया जाता है, इससे पहले तक उसे क्या पहनाया जाता है, उस न्यू बेबी को पुराने ड्रेस ही पहनाया जाता है, बट आज के डेट में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हॉस्पिटल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, चाइल्ड बर्थ होता है,
है तो वहीं नए नए ड्रेसेस और भी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। इस प्रकार का कोई सेरोमनी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, और ना केवल बच्चे के लिए न्यू ड्रेस आता है बल्कि उसकी माँ के लिए भी नई साड़ी लाई जाती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइल्ड बर्थ का वर्णन कर रही हैं कौन, जर्मनी क्रियर और बांग्लादेश की सेलहेथी वोमेन के बारे में वो बता रही हैं। आइए आगे देखते हैं, देख सकते हैं किस तरह से आजकल हॉस्पिटल में जो है बच्चे लोग का चाइल्ड बर्थ होता है, जन्म होता है, और वहाँ पर महिलाएँ क्या होती हैं, उनको कोई इस तरह की पारंपरिक रीति रिवाज पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। आगे देखते हैं इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की भी महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, जिसको कि ये बंतु कह सकते हैं, यानी कि बंतु है ना, ये BNTU जो हैं वो एक प्रकार का बंतु वहाँ की साउथ अफ्रीका की भाषा होती हैं, है ना। और वही साउथ अफ्रीका की भाषा जो है बंतु, वहीं के लोगों को बंतु भी कहा गया है। तो इन साउथ अफ्रीका बंतु ओमेंस केस, यानी कि जो बंतु महिलाएं होती हैं उनके चाइल्ड बर्थ के केस में क्या देखने को मिलता है, तो अ चाइल्ड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज फार फ्रॉम नॉर्मल, यानी वहाँ किसी भी लेडी को नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं होता है, उससे वो हमेशा दूर रहती हैं। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग ओमेन हु वेयर लेबरिंग अलॉन, और वहाँ क्या किया जाता है कि बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है तो उसको एक डिलीवरी वार्ड में, है ना, उसको वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ की डिलीवरी वार्ड में उसको अलोन यानी अकेले छोड़ दिया जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना। थोड़ी सी और किस्म की बातें आपको लगे क्यों अकेले, है ना, लेकिन ऐसी बातें हैं कि वहाँ वो क्या रहती हैं, अकेले ही चाइल्ड यानी कि डिलीवरी वार्ड में अपने बच्चे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, है ना, और इस तरह से उस डिलीवरी वार्ड में देखेंगे कि ब्लड का एक तरह से क्या होता है, फ्लोर पर इधर उधर ब्लड पड़े मिलेंगे आपको, है ना। चाइल्ड बर्थ होता है तो आई होप कि आपको पता होगा, है ना, तो ब्लड का वहाँ तक पूल बना रहता है, यानी कि जहाँ देखिएगा वहाँ चाइल्ड बर्थ यानी कि लेबरिंग वार्ड में, तो वहाँ आपको खून देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से वहाँ थोड़ी चाइल्ड बर्थ की प्रक्रियाएँ क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम भरी है। दस इस तरह से द राइटर हैज शोन हाउ चाइल्ड बर्थ इज कंडक्टेड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इस तरह से लेखिका जो दिखाती हैं बताती हैं कि किस तरह से पारंपरिक समाज में चाइल्ड बर्थ को कंडक्ट किया जाता है, संचालित किया जाता है, एंड व्हाट प्रॉब्लम आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, और किस किस तरह की प्रॉब्लमें होती हैं हमारे समाज में चाइल्ड बर्थ के संदर्भ में, रिगार्डिंग मतलब के संदर्भ में, हमारा समाज का मतलब पूरा ओवरऑल, है ना, चाहे वो ईस्ट का हो चाहे वेस्ट का हो, तो ये पूरे ओवरऑल राइटर के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होता है माय डियर, राइटर पूरे, जैसे कि जो कोई टीचर है राइटर है तो पूरे समाज की भलाई की बात करता है, पूरे सभ्यता की भलाई की बात करता है, वो किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है। तो यही बातें बता रही हैं चाइल्ड बर्थ को लेकर के जर्मनी क्रियर, है ना। आई होप कि आपको समरी अच्छी लगी होगी, है ना, ये अंतिम है, आप समरी को लिखें, और जब भी एग्जामिनेशन हमें समरी लिखने के लिए आए, आई होप कि आप बेटर तरीके से उसको लिख कर आए। अगर आप हमें कुछ चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर